रादौर के हैफिड परिसर में लाखों रुपए की लागत से स्थापित किए गए प्रदेश के एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर रौनक लौटने वाली है। हैफिड परिसर में लगा ये प्लांट पिछले करीब 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, जिससे प्लांट की मशीनरी भी धूल फांक रही थी। लेकिन पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज के प्रयासों से अब इस प्लांट को आधुनिक रूप देकर शुरू करने की क्वायत तेज हो गई है। जल्द ही प्लांट में नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी और प्लांट की इमारत को भी दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा, जिस पर विभाग द्वारा करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए हल्दी प्लांट में अब सरकार की ओर से जान फूंकने की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसका क्षेत्र के किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। प्लांट के शुरू होने से किसान भी अपने फसल चक्र को मेंटेन रख पाएगा, वहीं हल्दी की फसल लगाकर अपनी कमाई को भी बढ़ाने का कार्य किसान करेगा। ये हल्दी प्लांट पिछले 5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री व विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की और इस प्लांट को शुरू करवाने का आग्रह किया, जिस पर इस मांग को पूरा करते हुए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी विभाग को मिल गई। हल्दी का प्लांट 2008-09 में यहाँ रादौर के अंदर लगा था और ये 2015-16 तक चला, उसके बाद ये बंद हो गया था क्योंकि यहाँ हल्दी की अच्छी क्वालिटी ना मिलने की वजह से और इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। अब क्योंकि इसमें पहले तो मशीनरी जो थी वो बिल्कुल जो है ना मैनुअल थी, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक का प्रयोग नहीं किया गया था, अब बिल्कुल आधुनिक किस्म का एक नया कारखाना यहाँ जो 7 करोड़ 47 लाख रुपए की लगभग लागत से वो यहाँ लगेगा। और ये हमारे इलाके के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जैसे सरकार भी चाहती है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो और फसलों का जो है ना वो चक्कर बना रहे, क्योंकि किसान जिस प्रकार से धान और जीरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है, उसके से जो है ना किसान मसालों की फसल की तरफ ज़्यादा जाए, तो उसके लिए हल्दी प्लांट यहाँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लगा था कि ये कहीं शिफ्ट हो रहा है, तो हमने कोशिश की है सब ने मिल करके डिपार्टमेंट ने भी, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है हमारे रादौर निवासियों के लिए कि ये प्लाट हमारा यहीं सेंक्शन हो गया और यहीं जो है ना अच्छा प्लाट लगेगा, आधुनिक टाइप से सारी नई मशीनें इसमें लगेंगी, कुछ जो पुरानी मशीनें हैं वो भी उसमें जो है ना शामिल हो जाएंगी जिनकी ज़रूरत होगी, और बिल्कुल ऑटोमेटिक प्लांट लग करके और यहाँ हमारे इलाके के किसानों को जाने का मौका मिलेगा हल्दी की फसल पैदा करने का। हल्दी की फसल में पानी की कम खपत होती है, जिससे जैसे जैसे किसान इस फसल के प्रति जागरूक होगा पानी को बचाने में भी इससे मदद मिल पाएगी, साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।